वहाँ भी दोस्तों कोई भी जाएगा कोई नहीं दोस्तों दिखा सकता है वहाँ का व्यू, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पहली बात ये है कि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, किसी भी कैमरा है कोई भी कैमरा जो अलाउ नहीं है। अगर आप फोटो खींचते हैं गलत पहले तो मना करेगा, अगर मना करेगा तो मान जाओ ठीक है, अगर नहीं फिर भी अगर नहीं फोटो खींचोगे वीडियो बनाओगे दोस्तों आपको मोबाइल छीन लिया जाएगा और प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा ही, क्योंकि 1100 रुपये दोस्तों जुर्माना वहाँ लिखा था। इससे अच्छा कि दोस्तों वीडियो ना ही बनाओ तो अच्छा है, वीडियो से क्या हो जाता है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर अगर आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा जगह है दोस्तों। जैसे लगता दोस्तों पहाड़ पे आगे पहाड़ के अंदर आपको अभी तो फिलहाल बहुत भीड़ था, लेकिन जितना दोस्तों जल्दी आएगा ना सवेरे तो उतना भीड़ नहीं रहता है, जितना लेट जाएगा ना 12-2 बजे जाएगा तो बहुत भीड़ चलती है दोस्तों वहाँ पे। और हल्का दोस्तों गुफा रहता है, गुफा में लगेगा कि दोस्तों घुस नहीं पाएंगे अंदर, लेकिन आप चले जाएंगे अंदर आराम चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं कैसे जाएंगे, आराम चले गए ना, कोई डर नहीं दोस्तों, आराम से जाओ दर्शन कीजिए। और दोस्तों देवी देवता उसके अंदर में है, मैं भी दोस्तों पहली बार उसमें गया हूँ इसलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी जाइए। और टिकट की बात करें टिकट वगैरह नहीं है, फ्री सेवा है, जाइए दर्शन कीजिए और आप लोग आ सकते हैं दर्शन, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। एक से बढ़कर एक दोस्तों मूर्ति है, दर्शन कीजिए और आइए वहाँ का व्यू देखिए। लेकिन हाँ फोटो वीडियो बनाने अलाउ नहीं है दोस्तों, नहीं तो हम ब्लॉगर दोस्तों हम कैसे नहीं वीडियो बनाते, लेकिन हम तो जैसे मोबाइल दोस्तों निकाल प्रयास किए लेकिन निकाल नहीं पाए क्योंकि अलाउ ही नहीं था ना, इसीलिए हम नहीं निकाल पाए। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, वहाँ का व्यू तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पे और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, इस तैयार गाड़ी रुका हुआ है देख सकते हैं, देखिए। और अभी ब्लॉग शूट हो रहा है दोस्तों, मैं पीछे गाड़ी बैठा हूँ, अभिग्रम बाइक चला रहा है, देखिए ये है मैं नहर और हम अभी जाएंगे भांगरौला की तरफ, देखिए भांगरौला चले जाएंगे अभी फिलहाल देखिए। और कल वाले दोस्तों ब्लॉग में आप दिखाई दिए कि कैसे हम गए थे वहाँ पे गड़ी, तो दोस्तों आज एक पार्ट 2 के लिए मेरे पास वीडियो बचा था तो आज मैं डाली दूँ। और एक बाइक ये भी है दोस्तों, ये भी बाइक से गए, मतलब ये 5 लोग आए थे, देखिए 6 लोग, पाँच लोग तीन दो पाँच लोग आए थे। तो दोस्तों कल इसलिए दोस्तों आपको ब्लॉग में दोस्तों आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम नहीं दिखा पाए, इसलिए मैं ये वीडियो आप आज दिखा रहा हूँ आपको। हम जरा दिखाते हैं यहाँ का बाइक कैमरा से, देखते हैं दोस्तों आगे का व्यू कैसा है। देखिए हम लोग भांगरौला वाले रोड पे आ गए हैं और हम जा रहे हैं अपने भांगरौला चौक पे चले जाएंगे, देखिए यह ऐसा कुछ व्यू है देख सकते हैं। और टाइम की बात है दोस्तों 3 बज गए हैं, बजने वाले हैं 3, बजा नहीं है, बजने वाले हैं 2:30 बज गए हैं। और ये जो इधर चले जाएंगे काकरौला और ये जाएंगे जैसे भांगरौला की तरफ चले जाएंगे, देखिए है देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भांगरौला और चलिए दोस्तों आप वीडियो को हम यहाँ से एंड करते हैं। रोड में दोस्तों पानी बहुत जमा है ना, आराम जाना पड़ता है, नलके वाला पानी। इस रोड का दोस्तों ब्लॉग मैंने आपको लगभग 15 दिन पहले ही दोस्तों अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ से पूरे काकरौला से लेके पूरी भांगरौला